माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर घटना जो कल घटी है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक एक वक्तव्य प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता, जो कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है लेकिन एक कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री के भाई हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, संसद सदस्य भी है। Point? उन्होंने कल एक वक्तव्य किया, वी विल बी फोर्स्ड टू डिमांड अ सेपरेट कंट्री। फिर वो कहते हैं देयर वाज नो अदर चॉइस। फिर वो आगे कहते हैं देयर वाज नो अदर चॉइस बट टू आस्क फॉर अ सेपरेट कंट्री। All southern states have to raise their voices demanding a separate nation. माननीय अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस की जो विभाजनकारी सोच है, जिस प्रकार से शुरू से इतिहास में हमने कांग्रेस का व्यवहार, उनका काम करने की पद्धति और देश को बांटने का काम कांग्रेस ने समय समय पे किया, ये इसका एक और उदाहरण है। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम सदन में आते हैं तो आज के दिन तो चुनाव लड़ने के लिए भी एक शपथ लेनी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहती है कि जब हम सदन के सदस्य बनते हैं तो हम शपथ लेते हैं, आई सॉलेमनली अफर्म और आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया एंड फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच आई एम ट्रेन। माननीय अध्यक्ष जी, अब ये छोटी मोटी घटना के रूप में हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ ये देश को बांटने की सोच है, जिस प्रकार से देश के संविधान के ऊपर ये आहत है, देश के संविधान का अपमान है, जिस प्रकार से देश की एकता और अखंडता के ऊपर ये अपमान किया गया है। हम जब शपथ लेते हैं तो देश की सॉवरेंटी, देश की इंटेग्रिटी, ये सर्वप्रिय होती है, सर्वप्रथम रहती है। और माननीय अध्यक्ष जी, किस दिन उठाया जाता है? जब माननीय वित्त मंत्री एक देश के सामने विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, देश के सामने अमृत काल में कैसे देश आगे जाएगा, ये पूरा विश्व कल देख रहा है कि देश किस प्रकार का मैसेज पूरे विश्व में लेके जा रहा है। उसी दिन ऐसी विभाजनकारी सोच, देश को तोड़ने वाली सोच, मैं समझता हूँ कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस पर स्पष्टीकरण करना चाहिए। क्या ये कांग्रेस पार्टी इस वक्तव्य के साथ अपने आप को जोड़ती है? क्या कांग्रेस की सोच में देश की एकता और अखंडता या देश का संविधान कोई मायने रखता है कि नहीं? क्या वो देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटना चाहती है? ये कांग्रेस की सोच के बारे में मैं डिमांड करता हूँ कि कांग्रेस के अध्यक्ष संसद में और पूरे देश के सामने स्पष्टीकरण करें। ये विभाजनकारी सोच कांग्रेस की कदापि देश स्वीकार नहीं करेगा। मैं घोर निंदा करता हूँ कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, उनकी सोच की, और माफी मांगता हूँ कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे इस वक्तव्य के लिए और स्पष्टीकरण करके उनके सदस्य से भी ये स्पष्टीकरण आए कि देश की एकता और अखंडता के लिए जो हमने शपथ ली है वो उससे सहमत है या नहीं, भारत के संविधान में वो विश्वास रखते हैं या नहीं रखते, और उनके कांग्रेस की पार्टी की स्पष्ट नीति क्या है, वो देश के सामने आनी चाहिए।